वेलकम टू माय चैनल अर्चनास हार्टी हब। जय श्री कृष्णा। आज राधा रानी की जो 10 नंबर की बड़ी मार्बल की का विग्रह है उसके लिए चुन्नी बना रही हूँ। मैंने पहले लहंगा बनाया, फिर उसका ऊपर का टॉप बनाया जो, और उसके बाद ये चुन्नी बना रही हूँ। तो इसमें मैं दुपट्टा के लिए मैंने 60 चेन ली हैं। तो उसके बाद इसको जो पूरा बनाना है तो आपको पूरा दिखाती हूँ इसकी विधि। तो 60 चेन लेती हैं, तो उसके बाद इसको उसी में पूरा मेरे को 60 ट्रिबल लेने हैं। पूरी चेन में एक ट्रिबल से पूरा एक लाइन बना दूँगी उसकी। तो फ्रेंड्स, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये देखिए पट्टी, दूसरे से दो पट्टी बना लूँगी मैं। ये दो पट्टी बना के अभी ग्रीन से मैं देखिए चेन बनाऊंगी। और चेन बना के जैसे मैंने लहंगे में, और आप देखने देखा होगा मेरा इससे पहले का वीडियो, उसमें मैंने बनाए थे वैसे ही इसमें बनाऊंगी लूप्स बना के। तो दोनों पट्टियों को मैं जोड़ूंगी, तो 6 चेन बनाऊंगी और 6-6 ट्रिबल के बाद इस तरह से देखिए इस तरह से ज्वाइन करना। 6 चेन बनाई, फिर स्लिप स्टिच से जोड़ी है, फिर 6 चेन बनाई, इस तरह से पूरा बना के तैयार करके। तो ये देखिए इनको इसको किनारे पे फिनिश करना है। तो सबसे पहले मैंने इसमें 15 ट्रिबल बनाए हैं, 15 ट्रिबल बना के फिर उसके बाद उसको देखिए एक लाइन 15 ट्रिबल बनाए, फिर उसके बाद उसमें एक दो दो छोड़ के मैंने कम से कम इसमें बनाए हैं। ये देखिए पहले चार, पहले पूरा एक तरह से 5-5 ट्रेबल लेके मैंने 4 अच्छे से बनाए हैं पूरे लूप्स। ये दूसरे राउंड में, फिर थर्ड राउंड में मैंने इसमें 4 जो लूप बने थे वो 3 बीच में बने हैं और आधे आधे दोनों तरफ इस तरह से 5-5 बना के मैंने लूप जहाँ बनाए हैं। ये देखिए पहला ये बना रही हूँ मैं। तो इसमें पहले इस तरह से एक ट्रेबल की लाइन, फिर दूसरे लूप्स बनाए उसकी लाइन, फिर एक और लूप, इस तरह से 3 लाइन लूँगी मैं। तो करीब मेरी 17-18 इंच के करीब बन के तैयार रहती है चुन्नी। और इसमें फिर मैं ये देखिए इस ये जो बन के तैयार हो गए हैं दोनों तरफ से, अब साइड से सीधा सीधा दिख रहा है तो हल्के से इसमें भी मैं बना दूँ स्कैलप्स जिसे बोलते हैं। तो जैसे इधर दोनों तरफ कोने पे बनाए स्कैलप्स, इधर भी छोटे स्कैलप्स बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ट्रिबल लिया था, यहाँ हाफ ट्रिबल लेके उसको, और एक में मेरे को 3-3 लगाने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। एक जैसे झालर जैसा या वैसा फ्रिल जैसा नहीं लगाना है, सिर्फ कॉर्नर जो स्ट्रेट या वैसे दिख रहे हैं उसको हल्का सा स्कैलप्स देने हैं। तो उसी तरह से देखिए 3-3 करके इस तरह से बनाऊंगी। तो और उसमें मैंने सब में हाफ ट्रिबल लिया है, बस एक बार एक ऊपर से लिया, फिर एक उसके अंदर से धागा डाला, राउंड लिया और तीनों राउंड को एक साथ निकाल दिया इस तरह से। अगर आपको सिंगल ट्रिबल बोलते हो तो सिंगल, या हाफ बोलते हो तो हाफ ट्रिबल है। तो इस तरह से बनाते जाएंगे पूरे में, पूरा दोनों तरफ, ये साइड से लेके इधर और उधर दोनों तरफ इसको पूरा मैं इसी तरह से कर दूँगी, जिससे स्कैलप्स बन जाएंगे तो थोड़ा सा एक फिनिशिंग सी आ जाती है। तो फ्रेंड्स, कोई भी कुछ काम करें तो हल्की सी एक फिनिशिंग दिखनी चाहिए, ऐसा नहीं दिखना चाहिए कुछ आधा अधूरा है। तो उसमें पूरा बना के और चारों तरफ बनेगा और ये बहुत सुंदर लगता है ये बनने के बाद। और इसमें मैं किनारे पे थोड़ा सा, जैसे मैंने जो क्रॉप टॉप बोलेंगे कुछ भी टॉप उनका लहंगे पर राधा रानी का जो टॉप बनाया था मैंने, थोड़ा पोंचो शेप में था या पोंचो की तरह बनावट थी थोड़ी उसकी, तो उसको उसमें भी नीचे मैंने थोड़े ऊन के टेसल्स लगाए थे। तो इसमें भी मैं किनारे पे दोनों तरफ ऊन के टेसल्स लगाऊंगी, साइड में नहीं लगाएंगे क्योंकि वो टेढ़े में लटकेंगे तो ज़्यादा अच्छे नहीं दिखेंगे, इसलिए
दोनों तरफ जो ये स्कैलप दिख रहे हैं दोनों किनारे पर जो बने हुए, तो उधर ही उधर मैंने करीब करीब दोनों तरफ 9 या 10 ऐसा कुछ लगे हैं एक तरफ, तो वो उतने दोनों तरफ लगा दूँ। तो एक तो जो उभरा हुआ स्कैलप्स का पॉइंट है वहाँ पे, और एक बीच में जहाँ उसको स्लिप स्टिच से जोड़ा है, तो उन दोनों जगह में ऐसे करके 9 या 10 देखिए, तो इस तरह से स्कैलप्स बन जाएंगे। और ये इधर मैंने देखी, ये इधर इस तरह से दोनों उनके दो दो टुकड़े लिए हैं और उनको इस तरह से देखिए, ये नीचे से ऊपर लिया डबल करके और ये इसमें से निकाल दिया इस तरह से। ये देखिए बनके तैयार हो गया। इसी तरह से सारे यहाँ बीच में किनारे पे बीच चारों में इधर इधर पूरा इधर और दूसरी तरफ दोनों तरफ पूरा लगा के ये देखिए लगा दिए। अब लगाने में थोड़ा ऊंचे नीचे हो गए हैं, कांटे तो बराबर थे लेकिन, तो उसको एक सा काट के बराबर कर देंगे जितनी लंबाई अपने को रखनी है। तो ये दुपट्टा बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें ये जो मेरे पास बीड्स की चेन है इसको काट काट के बीड को मैं ये देखिए ये ग्रीन की जहाँ पे मैंने इसको जोड़ा है उस जगह पूरे दोनों तरफ करके ज़िगज़ैग में है जो, तो ये देखिए पूरा मोती लग के तैयार हो गया है। ये दुपट्टा बन गया है, राधा रानी को पहनाएंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लगेगी राधा रानी पहनकर। ये देखिए ये बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।